किसानों की रिहाई के लिए आज शंभू स्टेशन पर किसानों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि किसानों की रिहाई के लिए आज शंभू स्टेशन पर किसानों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक किसानों की रिहाई नहीं होगी वो ऐसे ही ट्रैक पर डटे रहेंगे। किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन का ऐलान 9 अप्रैल को ही कर दिया गया था, लेकिन पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से बातचीत की और बात पे कहा कि समय मांगा, जिसके बाद किसानों ने 16 अप्रैल तक का समय दिया और आज किसानों ने शंभू स्टेशन पहुंचकर रेल ट्रैक जाम कर दिया। इस दौरान पंजाब पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और रेल ट्रैक तक पहुँचने में कामयाब हो गए। और इसी के साथ ये भी कहा कि जब तक उनके साथियों की रिहाई नहीं तब तक ट्रैक बंद रहेगा। यदि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, उस पर गौर नहीं किया, तो वो अब चंडीगढ़ हाईवे और पंजाब के बाकी रेल ट्रैक भी ठप कर देंगे। मतलब क्या रणनीति है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, कॉल तो हमारी 9 तारीख की भी थी, लेकिन पंजाब सरकार ने और हरियाणा प्रशासन ने बातचीत के जरिए हल निकालने का समय मांगा था, जो 15 अप्रैल का था। लेकिन हमारे किसान मजदूर एकता संगठन द्वारा एक दिन इनको एडवांस में फालतू दिया था, 16 तारीख दी थी, 15 की बजाय आप 16 तारीख को हमारे किसानों को रिहा था। लेकिन इस बात पर सरकार कहीं भी खड़ी नहीं उतर पाई। ये हमारी कॉल को फेल करना चाहते हैं, प्रदर्शन को पीछे करना चाहते हैं। आज 17 तारीख को जो हमारे संगठनों ने बोला था, उस पर हमारे संगठन खड़े उतरे हैं। अब हम इस राजपुरा शंभू को जो रेलवे ट्रैक पर पहुँचे हैं, इसको अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद रखेंगे। प्रशासन चाहे तो शाम तक हमारे नौजवान नवदीप सिंह जलवेड़ा, गुरकीर्त सिंह सापर और एक खटकड़ से हैं और दो पंजाब से हैं, सभी साथियों को यहाँ इस रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दे। हमारे पास हम अपने किसानों का सम्मान करेंगे फूल माला डालकर और इस ट्रैक को खाली करने का काम कर देंगे। अगर प्रशासन उनकी रिहाई नहीं करता और बोलता है भी कोर्ट में आप प्रक्रिया चलाओ, कोर्ट से आप उनकी जमानत कराओ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारे किसानों के ऊपर बिल्कुल 100% झूठे मुकदमे दर्ज हैं। हम बिल्कुल जमानत चलवा कर उन पर केस नहीं चलवाना चाहते। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अनिश्चितकालीन समय के लिए ट्रैक जाम होगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो अभी कुछ मिनटों के अंदर हमारे जो जत्थेदार हैं यूनियनों के संगठनों के, अगली कॉल का भी जो तैयार करनी है रूपरेखा, वो भी तैयार करेंगे। एक एक करके हम पूरे पंजाब के अंदर रेलवे ट्रैक जाम कर सकते हैं। अगर मन बना मोर्चे का तो अपना चंडीगढ़ वाला रोड भी जाम करने की चेतावनी सरकार को देते हैं, अगर हमारे मोर्चे की ये बात तय हो जाती है। इससे बढ़िया है कि सरकार हमारे साथियों को रिहा कर दे और आवाजाही को सही तरीके से चलने दे। हमको भी तो बोलता है कि रेल के अंदर यात्री बैठने का इंतजार करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, जब हमारे जवानों को तशद्दुद की, मार पिटाई की, झूठे मुकदमे के अंदर जेल में डक दिया और ये जनता टीवी देख रही है, गोदी मीडिया देख रही है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई भी किसानों के साथ धक्का हो रहा है। अब कहने लगे भी किसानों ने रेल रोक दी, रोड रोक दिए। मैंने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भी प्रदर्शन करो, भी निहत्थे किसानों के ऊपर गोली चलाई क्यों चलाई। और आज हमारे गांवों के अंदर जेजेपी बीजेपी के प्रत्याशी प्रोग्राम करने आ रहे हैं, इनका विरोध करो, इनसे सवाल पूछो। अगर आप जागोगे तो सरकार 4 कदम पीछे आएगी और किसानों पर तशद्दुद नहीं करेगी। किसानों ने जो भी मंगवाने की बात रखी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले से हाँ की हुई है, हमारी नई कोई मांग नहीं है। ये झूठ बोलते हैं और लोगों की वोट बटोरते हैं और लोगों को तशद्दुद करते हैं। इस बार पहले बार इतिहास के अंदर हुआ कि किसानों के शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन के अंदर आंसू गैस के गोले, पक्की गोलियां तक की, ट्रैक्टर तोड़े गए। एक किसान साथी को हमारे को खरौरी बॉर्डर बोरी में डालकर पीटा गया और 13 हड्डियां तोड़ दी। दुर्भाग्य है इस देश की जनता का भी, जो अब भी प्रदर्शन के अंदर नहीं पहुंच रही। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 2024 के अंदर मोदी भगाओ, देश बचाओ। इन्हीं विनतियों के साथ सभी का, देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद। इन चैनलों की वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये संदेश जन जन में और पूरे भारत के अंदर पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान। ठीक है जी, वो जाता हूँ।
जिहड़े मैं सरकार नूं सवाल करना चाहुंदा, जिहड़े साडे साथी गिरफ्तार कीते ने कि ओह गैंगस्टर सीगे जां कोई ओह पुक्की फीम जां कोई नशा वेचदे ते इह आपणियां मंगां खातर आए होए सीगे जिहड़े गिरफ्तार कीते नेगे, क्योंकि मोदी सरकार ने 13 महीने असीं दिल्ली च अंदोलन लड़के आए हां, उन्हां ने मन्निया गा कि कहिंदे साडियां सही मंगां नेगियां ते उन्हां मंगां नूं लै के इत्थे आए सीगे, ते उस तों बाद साडे नौजवानां दे सिरां दे विच गोलियां भी इह सरकार ने मारियां नेगियां ते साडे किसान भी जख्मी कीते ने हंजू गैस दे गोले। असीं सरकार नूं असीं 3-4 मीटिंगां दे विच सरकार ने कहेगा कहिंदे भी जे कोई नहीं थोड़ा हो मतलब के भी जदों गलबात हुई हैगी सरकार ने कोई हल नहीं कढ़िया हैगा, ये सानू मजबूरी बस आ के इत्थे रेलवे ट्रैक ते आना पेगा। जे सरकार 15 तरीक नूं भी मीटिंग हुई है, कल भी उन्होंने फ्रेंस वीडियो कॉल ते कॉन्फ्रेंस राही हुई है गल, पर सरकार हाले तक ये देखती है किसानों का जोर परखण ते लगी हुई हैगी, किसान रेलवे ट्रैक जाम करके उन्होंने दस देणगे भी किसान की जरूरत रखते हैं गे, उन्होंने शायद लगता होगा भी यह वाडियां दे विच पै गए भी इन्हां दी कणक की कटाई है, इत्थे कोई आना नहीं हैगा, तुसीं देख सकते हो इकट्ठ होर पिछे भी होर बड़ा इकट्ठ होना है, जिन्ना चिर साडे किसान साडे रिहा नहीं किए जाएंगे ये सदा वास्ते इत्थे रेलवे ट्रैक जाम रहूगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।